Cigarette smoking is injurious to health. It causes cancer. सिगरेट धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कैंसर का कारण बनता है। जिंदगी की सच्ची घटनाओं को समेट उन्हें कहानी का आकार देते हैं। कुछ इसीलिए ही हम कहानीकार कहलाते हैं। आज आप सुनेंगे कहानीकार की कहानी कड़क हाईवे। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानीकार की कहानी कड़क हाईवे। जेनी के बेड के पास वाले टेबल पर उसके पापा की मुस्कुराते हुए फोटो देख के मेरी आंखें भर आईं। जेनी मेरी बेटी। मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए 10 साल हो चुके हैं। 10 साल पहले की वो रात अमावस की रात थी, लेकिन उस अमावस का अंधेरा मेरी जिंदगी को इस तरह निगल लेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही डॉक्टर थे। हम दोनों मलेशिया के एक बड़े हॉस्पिटल में काम करते थे। इस कहानी के बारे में ना जेनी को पता है और ना ही एरिक को। एरिक मेरे सेकंड हस्बैंड हैं, जो पेशे से एक पुलिस डिटेक्टिव हैं। जॉर्ज मेरे फर्स्ट हस्बैंड थे। जेनी मेरी और जॉर्ज की ही बेटी है। उस दिन मेरी और जॉर्ज की 3rd एनिवर्सरी थी। जॉर्ज ने मुझे सरप्राइज करने के लिए उस रात मलेशिया के जाने माने 7-स्टार होटल में डिनर का प्लान किया। उसने मुझे शाम को कॉल करके कहा, हैप्पी एनिवर्सरी माय लव, आज रात सिर्फ सेलिब्रेशन होगा, पूरा मलेशिया देखेगा। मैं और जेनी तुम्हें ठीक 8 बजे पिकअप करने आएंगे हॉस्पिटल में, रेडी रहना। ओके, लेकिन कार मैं ड्राइव करूंगी। फिर रहने दो, मैं और जेनी खुद ही जाके सेलिब्रेट कर लेंगे। अच्छा अच्छा बाबा ठीक है, तुम ही ड्राइव करना, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। चलो तुम काम करो, मैं रखता हूँ। लव यू टू, बाय। रात 8 बजे जॉर्ज जेनी को लेकर हॉस्पिटल के मेन गेट पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे निकलने में थोड़ा टाइम लग गया। बाहर आते ही मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को अपने पास बुलाया, उसे दुलार किया और वो फिर गाड़ी की बैक सीट पर जाके सो गई। मैंने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई। ड्राइव करते हुए मैंने जॉर्ज को अपने पूरे दिन की बात बताई, किस तरह से मैंने हॉस्पिटल में काम किया, मेरे साथ पूरे दिन में क्या हुआ। मेरी बात ख़त्म होने के बाद जॉर्ज ने भी मुझे अपने पूरे दिन का हाल सुनाया। ये हमारे रिश्ते की एक बहुत ही बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी जो हम डेली बेसिस पे पूरा करते थे। एक बहुत ही छोटी दुनिया थी हमारी, बहुत प्यारी, जिसमें मैं, जेनी और जॉर्ज रहते थे। हम एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से समझते थे कि हमें लगता था कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत खुश थे हम एक दूसरे के साथ। सेलिब्रेशन ख़त्म होने के बाद हम रेस्टोरेंट से अपने घर के लिए निकले। रास्ते में मैंने डिसाइड किया कि हम लोग कड़क हाईवे होकर चलेंगे, क्योंकि उस टाइम वहाँ ट्रैफिक कम होता है और घर भी जल्दी पहुँच जाएंगे। मैंने जॉर्ज को ये बात बताई, कुछ सोचकर उसने भी हामी भर दी और मैंने कार को कड़क हाईवे की तरफ मोड़ दिया। हम लोग हाईवे पे कुछ दूर चले ही थे कि अचानक कार बंद पड़ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जॉर्ज कार से उतरे और कार की बोनट खोलकर चेक करने लगे। रेडिएटर में पानी खत्म हो चुका था। जॉर्ज ने पूछा, अरे देखना जरा गाड़ी में पानी है या नहीं। मैंने पूरी कार चेक करके कहा, नहीं सब बॉटल्स खाली हैं। जॉर्ज गाड़ी की बोनट बंद करके गाड़ी के अंदर आकर बैठ गए। मैंने पूछा, क्या हुआ। जॉर्ज बोले, अभी और कुछ नहीं हो सकता। जब तक कोई कार या हाईवे पेट्रोलिंग कार यहाँ से नहीं गुजरती, तब तक हमें ऐसे ही बैठे रहना होगा। टाइम काफी बीत चुका था। हम लोग ऐसे ही 30-40 मिनट तक जंगल के पास हाईवे में गाड़ी की शीशे खोलकर बैठे हुए थे, मगर कोई नहीं आया। इतनी देर चुपचाप बैठने के बाद जॉर्ज गाड़ी से 3-4 पानी की बॉटल्स लेकर उतरे और मुझसे कहने लगे, मैं जंगल के आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ, तुम गाड़ी के शीशे चढ़ा लो और हाँ सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर देना, और ये वो टॉर्च देना प्लीज, यहाँ बाहर बहुत अंधेरा है। मैंने जॉर्ज को टॉर्च दे दी और जेनी को अपनी बगल वाली सीट पर बैठा लिया। जॉर्ज ने गाड़ी का बोनट फिर से खोल दिया कि अगर कोई यहाँ से गुजरे तो उसे पता चल जाए कि गाड़ी खराब हो गई है और हमें मदद की जरूरत है। जॉर्ज जंगल में चले गए। मैं अकेली ही गाड़ी में जेनी के साथ रुक गई।
मैंने मेल चेक करने के लिए मोबाइल निकाला और अचानक एकदम से इतनी जोर का धमाका हुआ कि मैं डर गई। अचानक हमारी गाड़ी की छत पर भारी भरकम कुछ गिरा। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। फिर शुरू हुआ डर का एक खेल। गाड़ी की छत से ऐसी आवाजें आने लगी जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को चीर फाड़ रहा हो। मैं इतनी डर गई कि मैंने जेनी को अपने सीने से लगा लिया और ड्राइवर सीट पर बैठे बैठे कांपने लगी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जॉर्ज कहाँ है, वो कब आएंगे, ये खौफनाक मंजर कब खत्म होगा। मैं डर के मारे कांप रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, हाथ थर थर आ रहे थे। ये सब कब तक चल रहा था, कब तक चलेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं इतना डर गई थी कि मेरे को अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी और गाड़ी की छत पर वो आवाज़ें चली चली जा रही थी। इन्हीं सब भयानक आवाज़ों के बीच में एक तीसरी आवाज़ मुझे सुनाई दी। वो आवाज़ एक कार की आवाज़ थी। मैंने सीट से पीछे मुड़कर देखा तो हाईवे पुलिस की पेट्रोलिंग कार थी। देखते ही देखते पेट्रोलिंग कार हमारे 200 मीटर के दायरे में पहुंच गई। अचानक गाड़ी की छत से आने वाली आवाज़ बंद हो गई। दो गोलियां चली और उसके साथ ही एक भयंकर आवाज़ की गूंज और फिर सब शांत हो गया। अब जो आवाज़ सुनाई दे रही थी वो सिर्फ पेट्रोलिंग कार की इंजन की आवाज़ थी और रास्ते के अंधेरे को चीरती हुई पेट्रोलिंग कार की सायरन लाइट। पेट्रोलिंग कार से दो पुलिस वाले उतरे और उन्होंने माइक के जरिए मुझसे कहा, गाड़ी से जल्दी बाहर निकलिए और बिना पीछे मुड़े पेट्रोलिंग कार की तरफ भागिए। मैंने जल्दी से जली को गोद में ले लिया और गाड़ी के दरवाजे खोलकर पेट्रोलिंग कार की तरफ भागी। पुलिस वाले ने फिर कहा, आते रहिए, कुछ भी हो जाए मगर पीछे मुड़के मत देखिएगा, सीधा भागते हुए हमारे पास आइए। ये सुनने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं भागते भागते रुक गई और ना चाहते हुए भी पीछे मुड़कर देखा। उस रात की ये मेरी दूसरी गलती थी। पहली गलती मैंने कार खाईवे पर आकर करी और दूसरी गलती उस पुलिस वाले की बात नहीं सुनकर। मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी क्योंकि जब पीछे मुड़ के मैंने देखा वो मंजर मेरी आंखों में आज भी ताज़ा है, जो मुझे आज भी रातों को सोने नहीं देता। मैंने देखा कि मेरी गाड़ी की छत पर एक लाश पड़ी हुई है जिसका सर धड़ से अलग हो चुका है। लाश की पूरी बॉडी पूरी तरह से कटी फटी हुई है। ये नज़ारा, ये मंजर इतना खौफनाक है कि इसको दोबारा बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उस लाश के हाथ से एक जलती हुई टॉर्च नीचे गिरी और मुझे ये समझ में आ गया कि वो लाश जॉर्ज की है। मैं वहीं जम गई, मानो लकवा मार गया। मुझे नॉर्मल होने से पहले ही मैंने देखा कि मेरी गाड़ी की छत पर एक लंबा सा आदमी खड़ा है जो कुछ अजीब सा है। वो नंगा था। उस आदमी ने जॉर्ज की लाश को उठाया और जंगल में कहीं गायब हो गया। मेरी पूरी गाड़ी जॉर्ज के खून से सनी हुई थी और मैंने वहीं होश खो लिया। अगले दिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल के बेड पे थी। मेरी माँ जेनी को अपने साथ लेकर अपने घर चली गई थी। दो दिन बाद पुलिस स्टेशन जाकर मैंने उसी पुलिस वाले से पूरी घटना बताने को कहा और पुलिस वाले ने जो कहा वो सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। उसने कहा, उस रात हम अपनी रेगुलर पेट्रोलिंग ड्यूटी पे थे, कड़क हाईवे पे आकर हमने देखा आपकी कार खड़ी हुई है, वो भी बीच सड़क पर। हमने आपसे पूछताछ करने के लिए आपकी तरफ गाड़ी जैसे ही मोड़ी वैसे ही देखा कि एक आदमी जैसा दिखने वाला लंबा जानवर आपके कार की छत पर आकर बैठा और एक आदमी की लाश को खाने लगा। हम लोग तुरंत उसके पास गए और उस पर गोली चलाई और वो जंगल में भाग गया। इसके बाद क्या हुआ ये तो आप खुद ही जानती हैं। वो दिन है और आज का दिन है, मैं फिर कभी पलटकर उस हाईवे की तरफ नहीं गई, ना ही मैंने तो कभी उसको देखा और ना ही कभी उसके बारे में कुछ सुना। आप सुन रहे थे कहानीकार की कहानी कड़क हाईवे। नरेशन लवनिका शर्मा। जॉर्ज पुलिस वाला देवजीत मुखर्जी। पोस्टर डिजाइन साउंड इफेक्ट प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन देवजीत मुखर्जी। अगर आपको हमारी कोशिश जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह कहानीकार की नई कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई कोशिशें सीधे आप तक पहुंच सके। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।